हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिसेंटली मैंने सरोजिनी नगर का टूर डाला था, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। तो मैंने कुछ शॉपिंग भी की थी वहाँ से। सो आज लोगों को मैं अब अपना शॉपिंग हॉल दिखाऊंगी सरोजिनी नगर का। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो टिप है वो ये कि आप अपने साथ एक बड़ा सा झोला कैरी कीजिए, क्योंकि होता क्या है ना कि छोटी छोटी बहुत सारी पॉलिथीन्स हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि सामान गुम होने के चांसेस हो जाते हैं। इतना मेहनत करने के बाद आप कुछ सामान लो और फिर वो गुम हो जाए तो बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप एक झोला कैरी कीजिए अपने साथ। सेकंड टिप, आप इतना घूमोगे मार्केट में तो आपको प्यास तो लगनी ही है, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, तो अपने साथ एक वाटर बॉटल जरूर कैरी कीजिए। थर्ड टिप, अपने साथ जितना हो सके कैश कैरी कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम शॉप है जहाँ पर पेटीएम वगैरह एक्सेप्ट किया जाता है, अदरवाइज सारी शॉप में लोग कैश ही मांगते हैं। तो आप जितने हो सके अपने साथ कैश रखिए, आप 100 के अलग, 200 के अलग, इस तरीके से आप कैरी करिए। भाई फोर्थ टिप इज बार्गनिंग। तो बार्गनिंग बहुत ज़रूरी है सरोजिनी नगर के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी बार्गनिंग हो जाती है, कोई भी चीज वो वहां पर डबल प्राइस में बताते हैं, तो आप अच्छी बार्गनिंग करके उसको डील पे ले सकते हैं, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए जितनी अच्छी बार्गनिंग आप कर सके। और तो मेरी लास्ट टिप ये है कि आप कोशिश करें कि आप वीकडेज में ही शॉपिंग करें, क्योंकि वीकेंड्स में वहां पे इतना रश होता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। अगर हो सके तो आप ट्राई करें कि वीकडेज में जाएं, अदरवाइज फिर तो वीकेंड है ही, लेकिन वीकेंड में बहुत रश रहता है, और वीकेंड में रश तो रहता ही है, साथ में ये होता है कि जो शॉपकीपर होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टबर्न रहते हैं, प्राइसेस कम करने के लिए बहुत ज्यादा नाटक करते हैं। सो ये थे मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या वहाँ से लिया है वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने लिया है ये मेहंदी कलर का टॉप। सो ये राउंड नेक में है और ये इसकी स्लीव्स ऐसी हैं, यहाँ पे कट दे रखा है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। आप इसको ऑफिस में भी पहन सकते हैं, घर में भी पहन सकते हैं, और ये है 250 रुपीज का। नेक्स्ट मैंने दो टॉप लिए हैं, दोनों ही सेम पैटर्न के हैं बट कलर थोड़ा डिफरेंट है। फर्स्ट है ये है रेड एंड वाइट चेक प्रिंट में। सो इसका जो नेक है वो इस तरीके से राउंड में है और ये इसकी स्लीव्स है, थर्ड फोर्थ स्लीव है ये, और यहाँ पे आप इसको इधर पे ऐसे टाई अप कर सकते हो। इसका जो मटेरियल है वो है कॉटन, और यहाँ पर आपको नेक में इस तरीके के डोरी सी दे रखी है, और यहाँ पे इस तरीके से टेसल सा बना हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा पीस है और ये 250 रुपीज़ का है। पैटर्न में मैंने लिया है ये वाला, ये है वाइट ग्रे एंड ब्लैक में, सेम डिज़ाइन है इसका, इस तरीके से यहाँ पे भी थ्रेड है, ये देखिए सेम स्लीव्स में भी इस तरीके का ही वर्क है जैसे उसमें था। इससे अच्छा जो इसका मटेरियल है ना वो बहुत सॉफ्ट है, और समर्स में इस तरह के कपड़े पहनने से क्या होता है गर्मी नहीं लगती है और ये काफ़ी कम्फर्टेबल है। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है ये एक कुर्ता है येलो कलर में। सो ये रेड कलर का वर्क है इसमें ऑल ओवर कुर्ता में, ये 3/4 स्लीव में है, राउंड नेक में है, यहाँ पे 4 बटन दे रखे हैं वाइट कलर के, और यहाँ पे इस तरीके के इसके यहाँ पे थ्रेड दे रखा है, और इसको आप एज अ बेल्ट की तरह आप बांध सकते हो। तो बहुत ही लंबा कुर्ता है, देखिए मैं आपको इसकी लेंथ दिखाती हूँ, ये देखिए कितना लंबा कुर्ता है। सो ये जो कुर्ता है ये है 300 रुपीज का, और अगेन इसका मटेरियल जो है वो है कॉटन। तो नेक्स्ट मैंने ली है स्पैगेटी, एक पिंक में और एक ब्लैक कलर में, और इनका प्राइस है 60 रुपीज ईच। उसके बाद मैंने लिया है दो प्लाजो, ये प्लाजो है ये है ब्लैक कलर में, इसका इलास्टिक काफी अच्छा है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है ये, तो ये 100 रुपीज का है। नीचे से घेर इतना बड़ा नहीं है बट ठीक है, आप इसको घर में पहनना चाहते हो घर में पहनो, या फिर आप सूट के नीचे पहनना चाहते हो तो आप सूट के नीचे पहनो। फिर मैंने एक और प्लाजो लिया है, ये है इस तरीके से,
सो ये वाइट एंड ब्लैक चेक में है और इसका भी नीचे से घेर इतना बड़ा है। दोनों ही प्लाजो का जो कपड़ा है वो बहुत अच्छा है, इलास्टिक भी बहुत अच्छा है और ये 100 रुपीज ईच है। नेक्स्ट मैंने लिया है एक टी शर्ट अपने भाई के लिए, ब्लैक एंड ग्रे कलर में, हाफ स्लीव में है और उसके जिम के पर्पज़ के लिए लिया है। ये जो मटेरियल है वो काफ़ी स्ट्रेचेबल है। सो नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो ली है ये ड्रेस, ये वी नेक में है और इसका जो कपड़ा है वो प्योर कॉटन है, यहाँ पे ये स्ट्रेच होता है। सो इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, ब्लू भी है, रेड भी है, वाइट भी है। इसमें यहाँ पे आपको बटन दे रखे हैं, ऑल ओवर पूरी ड्रेस में यहाँ पे मिडल में बटन दे रखे हैं। बहुत ही प्रीटी लग रहा था ये वहाँ पे, सो मुझे एक बार में ही ये बहुत पसंद आ गया। और समर के लिए इस टाइप की ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं, अगर आप किसी बीच वैकेशन में जा रहे हो या सिंपल कहीं घूमने जा रहे हो तो इस तरह के कपड़े जो होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। ये है पिलो कवर, ये देखिए ये है येलो कलर में, ये दो और सेम ऐसे ही ये पिंक कलर में है। डिज़ाइन अलग अलग है, ये चेक में है, यहाँ पे फ्लावर दे रखे हैं, छोटे छोटे से फूल बने हुए हैं और ये जो है यहाँ पे बड़े बड़े से फ्लावर बने हुए हैं जिसमें बीच में पिंक कलर दे रखा है। तो दोनों ही कलर बहुत अच्छे हैं। सरोजिनी नगर में आपको घर की जितनी चीज़ें हैं वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेज में मिल जाती हैं, जैसे कि ये सिर्फ मुझे 150 रुपये में 4 मिले हैं और इसके अलावा वहाँ पे सोफे के कवर, पिलो कवर, बेडशीट, बहुत ही चीज़ें रीजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं। सो मेरी शॉपिंग बिना ज्वेलरी की तो ख़त्म होती नहीं है, तो मैंने कुछ शॉपिंग ज्वेलरी की भी की है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने लिए हैं ये वाले इयररिंग्स, मैंने लिए हैं एक और इयररिंग्स, वो ये कुछ इस टाइप से हैं, ऐसे राउंड बना हुआ है और यहाँ पे झुमका सा दे रखा है, ये भी बहुत प्रीटी लग रहा था पहनने पे। इसके बाद मैंने लिया है ये हूप इयररिंग्स, ये सिर्फ 30 रुपीज़ के हैं, ये वाला मुझे 50 रुपीज़ में मिला है और ये वाला भी 30 रुपीज़ में है। लास्ट मैंने लिया है एक चोकर, ये कुछ इस टाइप से है, काफ़ी प्रीटी लग रहा है ये और ये पहनने पे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थी मेरी सरोजिनी नगर की शॉपिंग, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो मैं अब आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।